الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم manifestations of the stages of the blessing the words of the wisdom volume 9 ke andar jo hai wo hazrat abu anis muhammad barkat ali rahmatullah alaihi farmate hain the meet the human being इंसानों से ऐसे मिलो एज इफ यू मीट एन ओल्ड फ्रेंड, जैसे कि तुम पुराने दोस्तों से मिलते हो। हु कम्स अलोंग विद हियर गुड न्यूज, जो आपके पास अच्छी खबर लेने के लिए या देने के लिए आते हैं। मतलब यह है कि आपके पास जब भी कोई बंदा आता है, वो आपसे ये उम्मीद रखता है कि आपको उसको अच्छी बात बताएंगे, अच्छी खबर बताएंगे। तो मरीज ऐसा भी आ जाता है, जैसे कि एक बीबी आ जाई, वो कहती कि मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे पागल है, मेरे देवर कहते तुम पागल हो। तो इस तरीके से जो है हमने उसको हौसला दिया। हौसले वाले बहुत से लोग आते हैं, हर बंदा डिप्रेशन एंजाइटी और बहुत सी ऐसी चीजों का शिकार है, और बहुत से ऐसे अमराज हैं जिनकी वजह से लोग ये समझते हैं कि हम जो है डिप्रेशन का शिकार हो। दिल किसी को जो है वो काम नहीं कर रहा, दिल का मर्ज हो सकता है, जो है वो अमराज हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये मसले जो है वो हो सकते हैं। तो हमें जो है ये क्या करना चाहिए, इसके लिए जो है हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है उनको हौसला अफजाई करें। हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं कुछ लेने के लिए आते हैं, हौसला लेने के लिए आते हैं। कम अज कम दवाई के अलावा हौसला जब देते हैं तो आधा मरीज ठीक हो जाता है, आधा मरीज जो है वो उसको जो है जब परहेज बताया जाए तो वो तब ठीक हो जाता है। तो इस तरीके से मरीज को मुकम्मल ठीक करने के लिए हमें उसकी हौसला अफजाई सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ जी, आ गया। तो इस तरीके से हम जो है ये इस तरीके से हमें जो है ये महसूस होगा कि हम जो है ये अच्छी खबर उसको सुनाएंगे। तो इसलिए जो है वो सफर वसीला सफर कहा जाता है। तो मैं जो है जब भी सफर में जाता हूँ, जाता रहा हूँ, मैंने तकरीबन 24-25 साल जो है ये पहली दिल्ली में गुजारे हैं। तो मैं मतलब 25 साल अपनी सर्विस के, गवर्नमेंट सर्विस के, नया लाहौर, रोजाना जंग, टोबा टेक्सिंग, और उसके बाद गोजरा और गढ़ महाराजा शाह जीवड़ा और जंग सिटी, और इस तरीका से जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में रहा हूँ। मतलब मैंने जो है वो 4 जिलों के अंदर जाएगी अपनी पेरिफेरी के अंदर रूरल हेल्थ सेंटर, DHO, तहसील हेडक्वार्टर, DHO, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, और मुख्तलिफ जो है वो हॉस्पिटल्स के अंदर अपना जो है ये सर्विस को जो है गुजारा है। तो अब 9 साल हो गए, अल्लाह का शुक्र है, मैं DHO हॉस्पिटल फैसलाबाद, जिसको अलाइट 2 भी कहते हैं, इसमें अपॉइंटेड हूँ एज ए टिब ऑफिसर। तो मैं जो है तो सफर वसीला जफर होता है, यानी कि चक को चक क्यों कह रहे, फर्ज किया ये है तो मुझे नहीं पता चक को चक क्यों कहते हैं। तो बहुत से दोस्तों को नहीं पता होगा, तो थोड़ी सी मैं इसकी वजाहत कर दूँ अगर आप मुनासिब समझते हैं। फिर आप आगे चलते हैं, इसका दूसरा हिस्सा है अभी। तो इसमें है कि चक को चक इसलिए कहते हैं कि जब अंग्रेज दौर था तो उसमें उन्होंने जो है वो हर गांव के दरमियान में एक जो है ये गोल चक्का जो है वो लगाया था, उसके ऊपर उस गांव का नंबर लिखा था। बोले हमारा गांव जो है ये माना वाला के साथ जो है ये माना वाला और मलकपुर का दोनों जो है वो एक ही नंबर है, शिवपुरा रोड के ऊपर हमारा गाँव है जिसको मलकपुर कहते हैं। उसके जो है वो दरमियान वाले हिस्से के अंदर जो है नहर साफ बहती थी, उसमें चक नंबर 203 बे जो है वो, यानी कि डीम बे का मतलब है कि जंग ब्रांच के साथ जो है इसकी अटैचमेंट है। तो ये है चक का मतलब, जो मुझे सफर में समझ आए। तो इस तरीके से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे थे, एक दूसरे से बातचीत करने से, हम जब हमने वालदैन से कुछ सीखा
मेरे वाले साहब का ये कॉल कॉल था कि अगर नहीं तुम मुझे के दुकान पे जाओगे अगर कोई भी ना आए तो फिर तुम क्या करोगे, ये मेरे वाले साहब का कॉल था। मेरी वालदा का कॉल है कि अगर मुझे काम करने से होता है तो मुझे अभी तक उनका कॉल याद है सारे। तो इस तरीके से जो है डिस्कस करने से, मोहब्बत करने से एक दूसरे से हम बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये सीखने और सिखाने का अमल जो है जरूरी नहीं कि बच्चों से क्यों नहीं सीखा जाता। बच्चों की इतनी मतलब प्यारी प्यारी बातें हम जो है ये वो जब सवाल पूछते हैं तो हमें जो है बहुत ज्यादा जवाब जो है वो क्रिएटिव होते हैं उनके सवाल। तो जिसको हमें जवाब देने के लिए जो है ये हमें सोचना पड़ता है, तो उनको साथ लेके चलना पड़ता। बल्कि बच्चों को क्रिएटिव बनाना चाहिए, बच्चों को भी उस तरह से इज्जत करनी चाहिए जैसे कि बड़ों की इज्जत की जाती है, दोस्तों की इज्जत की जाती है। तो जब हम बच्चों से भी बहुत से कुछ सीखने को मिल जाता है। आजकल की जो नई नस्ल है वो हमसे जो है वो कई गुना आगे है। मेरे जो है वो मतलब नवासा जो है वो पोता पोती है वो मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से कंप्यूटर और लैपटॉप और ये वाला जो है ये मोबाइल चला लेते हैं। मैं उनसे कई ऐप्स उनसे पूछ लेता हूँ ये कैसे है, तो वो मुझे जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी में मुझसे बेहतर जानते हैं। व्हाट इज एल्स इज ऑल दैट ही टोल्ड टू अस, तो वो हमें जो बताता है या हम उसको बताते हैं तो उसके अलावा और क्या हो सकता है, तुम इसके अलावा क्या जान सकते हो। तो इसलिए जो है खैर की खबर जो है वो मिलते ही इंसान खुश हो जाता है। हमें मिल जाए कि हमारा अजीज जो है वो कामयाब हो गया, अभी मैट्रिक का रिजल्ट आया है, तो दो बच्चे ने इतने 900 कितने नंबर लिए हैं, फला बच्चे ने इतने लिए हैं और लाल पोजिशन लिए है, तो ये इतनी खुशखबरियां होती है कि हमारा दिल बाग बाग हो जाता है। तो इसी तरीके से अच्छी खबर मिलने के साथ जो है जब आते हैं तो इसके अलावा सबको हमको जो है वो ये सबब बनाता है हमें कि हम जब कोई ना कोई चीज जब सीख लेते हैं तो सीखने और सिखाने का मौका मिल जाता है। एंड अस एंड देम उसमें ये हमारा तल्लक बन जाता है, हम उसको सलाम करते हैं। सलाम जो है ये एक बेहतरीन तरीका है एक दूसरे से मिलने का। जब हम सलाम करते हैं तो एक पूछता है कि 46 नंबर कमरा कहाँ है, तो मैं कहता हूँ यही कमरा है, तो ये उसको दुखी होती है कि हकीम साहब का कमरा है ये। तो इस तरीका से जो है इस तरीका से जो है वो 46 नंबर अलाइड टू के अंदर जो है वो अब लोगों को बहुत ज्यादा शोर पैदा हो रहा है कि यहाँ पे हकीम भी है। अब डॉक्टरों के वो जो नुस्खे है ना मतलब कि मोरे लगी हुई जो अभी भी मेरी जेब में मौजूद है उसमें जो है अभी मैं आपको पढ़ के अगर कहते तो सुना देता हूँ। ये मोर जिसके अंदर जो है ये पैरास्टामोल, ओप्राजोल और साथ जो है सिफल एक्शन और डॉक्सी, मतलब दो एंटीबायोटिक, दो पेन किलर और एक जो है वो ओप्राजोल लिख के जो उन्होंने जो है ये जाल छिड़वाई है मोर लगा के। ये ऑर्थोपैड वाले हमारे जो है ये काम कर रहे हैं, कोई भी दर्द हो, कहीं भी टूटी हुई बाजू हो, कुछ भी हो, ठा मोर लगा के आपको हवाले कर देंगे जी। आपको दर्द हटे ना हटे उनकी सरदर्दी नहीं है, दो पेन किलर तो लिख दिए, दो एंटीबायोटिक लिख दिए और मिर्दे को खराब जो उसने किया है उसके लिए ओप्राजोल लिख दिया उन्होंने, मतलब जो है वो प्रोटॉन पंप को ब्लॉक कर दिया उन्होंने ताकि एसिडिटी पैदा ही ना हो, अखीर कर देते ये लोग। तो इस तरीके से हमें ये मिलता है इस तरह से ये चीज जो है कि इसमें बहुत सी चीजें हमें मिलती हैं, हमें बहुत से पैगाम मिलते हैं जिसमें बता दिया गया है That if that is not message, ये message भी ना हो तो इसमें बता दिया जाता है कि there is a good time coming, कि अच्छा वक्त आने वाला है, उम्मीद रखो, पहुंचता रह सदर से उम्मीदें बाहर रख। तो इस तरीके से there is a good time coming बता दिया जाता है। Speak gently, हमेशा जो है वो दूसरे के साथ जब मोहब्बत से जो खुश हो के खुश अखलाकी से हंस के आप जवाब देंगे तो आधा तो वो मरीज जो है वो वैसे ठीक हो जाता है, तो इंशाल्लाह अल्लाह उनको सफा देता है। तो हमेशा जो है वो क्या करना चाहिए, हमारे और उसके दरमियान मुस्बत प्यार भरे और अच्छे तलकात जो है वो पैदा होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं, अच्छे तलकात पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। होता क्या है,
असल में मैसेज क्या है इसमें, ये मैसेज जो है एक शेर के सुरों में जो है वो, गाफल तुझे देता है ये घड़ियाल मुनादी, गाफल तुझे देता है ये घड़ियाल मुनादी, यानी कि मेरी जो घड़ी है ये आपको बता रही है जिंदगी घड़ी तूने एक और खो दी, यानी कि गवा दी कि ये जो है जिंदगी घड़ी तुमने एक और गवा दी है। तो ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लो, अल्लाह की राह पे इबादत करके इस्तेमाल कर लो, किसी की खिदमत करके इस्तेमाल कर ले। ये खिदमत करना मरीजों को जो है शफाए काबिला आदला की तरफ लेके जाना, उनको सही डायग्नोस करके सही इलाज करना जो है, ये भी तो बगैर इबादत है। रिज़्क़े हलाल जब बगैर इबादत है तो मरीज की जो है वो सही मानों में जो है आप तशखीस करके उसके सही मानों में जो है वो इलाज कर दे, तो ये असल में जो है क्या है जी, ऐन इबादत है। तो दोबारा शेर जो है वो मैं पढ़ देता हूँ, गाफल तुझे देता है ये घड़ियाल मुनियादी, कि तुमने गफलत कर दी मरीजों से, मोरे लगा लगा के तुमने जो है ये बेड़ा गर्क कर रहे हो तुम वहां पे, और खुद खुदा का खौफ करो कि तुम्हें ये जरूरत अगर पड़े तो तुम वही पैरास्टामोल खाओगे, तुम वही डाइक्लो खाओगे, तुम अपने लिए तो हकीम के पास आते हो और लोगों को मोरे लगा लगा के देते हो। तो इस तरीका से जो है नेचर की तरफ जब इंसान जो है वो गाफल हो जाता है, गाफल तुझे देता है ये घड़ियाल, ये घड़ी जो है तुम्हें जो है वो बुनियादी दे रही है कि तुम जो कर रहे हो और जो हमारी हुकूमत कर रही है हमारे जो है मुतल्लिक, तो इसके मुतल्लिक जो है जिंदगी की घड़ी तूने एक और गवा दी, तो तुम जिंदगी की घड़ियां गवा रहे हो, आने वाले वक्त में तुम्हें पता चलेगा कि अल्लाह का पैदा हुआ जो है पंप तुमने बंद किया है, उसको रोक दिया है, प्रोटॉन पंप को बंद किया है जो अल्लाह ने पैदा किया। यार अजीब मसले है, मैं जब भी देखता हूँ किसी की लाल टांग काटी जा रही है, ऑपरेशन पे ऑपरेशन करवाए जा रहे हैं और रुको भी रुको महमूद भाई, दुहाई दुहाई। तो इस तरीके से जो है हमारे यहाँ पे जो हो रहा है, अल्लाह जो है वो इनकी हिफाजत करे हमारे मरीजों की, और मरीजों को भी अकल दे के जो है वो, मैं उनको जो है अच्छे पास नहीं कहना चाहता, लेकिन जो मैं देखता हूँ कसाईयों से बुरा हाल है इन लोगों का, जो है ये सारा दिन जो है ये वहां पे जो है ये ऑपरेशन सेंटर के अंदर जो है ये रगड़े लगा रहे हैं, तो ये बगैर ऑपरेशन ट्यूमर का जो है इलाज हम कर सकते हैं पेट के अंदर। तो ये और भी बहुत सी चीजें हैं जो मैं अभी जिक्र जो है वो नहीं कर रहा हूँ। तो बहुत सी ऐसी जो है वो नफ्सियाती कमजोरियाँ हैं, नफ्सियाती अमराज हैं, तो हॉस्पिटल में आने से मिलाकर हमारे तलबा भी जैसे पहले आते थे आते रहते, तो बड़ा कुछ मिलता है मुझे जो है वो डी एच के में आने से, नई नई बीमारियाँ, नई नई चीज़ें, नए नए लोग, मेरे नॉलेज में अल्लाह का शुक्र है उसमें जो है वो इतने बड़े हॉस्पिटल में आने के बाद मेरे नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, और मैं इसको पढ़ता हूँ अपने जो है वो सर्च करता हूँ देखता हूँ। मैंने ये अभी आर्टिकल भी जो है वो आपके लिए रखा हुआ है, तो इंशाल्लाह जो है ये अगर ग्रेजुएट्स हमारे पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो इसको चाहेंगे तो हम उसी सिलसिले को जारी रखेंगे, क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड रिसर्च जो है उसको जारी रखेंगे। तो मैंने इसलिए इसको स्टॉप किया, अभी मुझे उसका पूरा रिस्पॉन्स नहीं आया है, जिसकी वजह से मैंने जो है वो एक ही आर्टिकल आपके सामने, मैं हमारे जो है वो डॉक्टर साहब से जो डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहब जो है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहब स्वामी सुभावल तौर पर भी मेरे जो है वो साजदा इकराम में शामिल है, मुझे और डॉक्टर अली शाह को या डॉक्टर सुनील साहब को जो है वो अपने बात पिछले पढ़ाने के लिए कभी कभी भेज दिया करते थे, तो उन्होंने जो है वो मुझे आर्टिकल पढ़ना भी सिखाया और एक लफ्ज़ पढ़ना सिखाया। मैं डॉक्टर मुर्शिद साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे आर्टिकल पढ़ने सिखाए, तो इसलिए मैं आपको आर्टिकल जितने भी जो है वो पढ़ के जो है वो सुनाना चाहता हूँ, ताकि हमारे लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट्स ने जो है वो अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिसकी वजह से मैं इसको आगे नहीं चला रहा हूँ। तो आज हम जो है ये असाजी शफाउल मलक हकीम अब्दुल लतीफ फलसफी और उनका मुफरत तरह दार मतलब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी। बड़ा प्यारा जो है ये, जब भी जो है मैं इनको पढ़ता हूँ हकीम अब्दुल लतीफ साहब फलसफी को,
तो मुझे अपने को दोस्त याद आ जाते हैं, दोस्तों की आज बात हो रही है। डॉक्टर अनिशा साहब का भी जिक्र हो गया और डॉक्टर नील साहब का भी जिक्र हो गया, और इसी तरीके से हमारे हकीम प्रोफेसर हकीम लतीफ जवेद साहब का मैं जिक्र करना, वो हमारे दोस्तों में शामिल है, हमारे पूरे डब्ल्यूटीबी इकट्ठे पढ़ाया है। तो इस तरीके से जो है, जब भी मैं इनका जिक्र करना मुनासिब समझता हूँ, हकीम अब्दुल लतीफ साहब सरस्वती का, तो मुझे वही याद आ जाते हैं। बड़े प्यारे छोटे छोटे नुस्खे, बड़े प्यारे से बंदे, हर जुमेरात जो है पीर को रोजा रखने वाले, तो बड़े प्यारे बंदे। उन्होंने तबिया कॉलेज के अंदर बहुत ज्यादा पढ़ाया, उनके मजामीन बहुत ज्यादा है, खासतौर पर डायबिटीज के ऊपर इनके बड़े मजामीन है। इनकी छोटी छोटी जो है नुस्खे जो है, बड़े प्यारे से नुस्खे जो इन्होंने जामिया तिबिया के बाद जो है तिबिया कॉलेज उस वक्त अभी बना था, इन्होंने ज्वाइन किया जिस स्टार बाईपास के साथ जाएंगे, फैसलाबाद के अंदर वाइडे के साथ जाएंगे, ये वहां के रहने वाले हैं। मैं इनके वालदा के वफात पे भी गया था। तो इस तरीका से जो है ये बहुत ही नाइस आदमी है, बहुत ही प्यारे दोस्त है हमारे। तो जब भी मैं जो है वो और बड़े इनके मैं नुस्खे इस्तेमाल करते हैं, छोटे छोटे नुस्खे हैं ये, मेहंदी को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और ये मतलब इस तरह से जो है सुन्नत नबवी भी है, और ये रियाज दवा खाना जो है उसके 70% भी है, और वहां के तबीब आला भी है। तो कासम मेरा शिगिर्द है, तो वो उनके साथ ही जो है ये कासम रियाज दवा खाने वाले, तो उनके साथ ये होते हैं, मतलब ये हकीम अब्दुल लतीफ जवेद साहब उनका पूरा नाम है। तो बहुत ही नाइस, हिज पर्सनैलिटी इज वेरी गुड एंड ही इज ए वेरी गुड टीचर एंड वेरी अब्लेजब। तो लेकिन हम जो है वो आज अब्दुल लतीफ फलसफी की बात करेंगे। ये असल में जो है तीन जगहों पे इन्होंने जो काम किया है, इसलिए हम इनको जो है ये फलसफा जो है फलसफे पढ़ाने के बड़े माहिर थे। तो फलसफा जो है ये फलसफा जो है, यानी कि जो है ये इसका अपना ही मजा है, जैसे कि अबू अली सीना का फलसफा है जो है वो उसका जो कुलियात कानून उसकी उनकी किताब जो है अबू अली सीना की, वो अभी भी यूरोप में पढ़ाई जाती है, उसी के कुलिये कह दे, अभी भी जो है ये हमारे जो है ये उनके जो है ये लोग जो है उनके पैरवी करने वाले अभी भी वो उनकी किताब पढ़ रहे। अभी हमारे मेडिकल कॉलेज में जाए तो अबू अली सीना के नाम से चार वहां पे जो है यहाँ चार जो है वो वाजे जो है अबू अली सीना के नाम से जो है, और इब्ने सीना के नाम से जो है ये उन्होंने बड़ा हाल का नाम भी रखा हुआ है। तो ऑपरेशन थिएटर भी वहां पे जाओ अबू अली सीना के नाम से है, एक वार्ड भी अबू अली सीना के नाम से। तो इतना ज्यादा जो है वो इनका नाम है। तो ये अलीगढ़ तिबिया कॉलेज के जो है ये इन्होंने बुनियाद रखी, और ये सबसे पहले तकमीले तिब कॉलेज में जो पढ़ाते थे, तो इन्होंने जो बहुत देर अरसा तक वहां पर पढ़ाया, और उसके बाद जो है इन्होंने जो है ये वहां से जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर जो है जो है वो तिबियो कॉलेज यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के अंदर इन्होंने जो है वो बतौर प्रिंसिपल जो है अपने फाइल को सर अंजाम देना शुरू किया। तो उस वक्त जो है ये सर सैयद के पोते रास मसूद भी जो है वहां के वीसी थे, यानी कि हमारे हुक्मा भी जो वीसी रहे हैं। तो ये अभी जो हमारे जितने भी जो इन्होंने पीछे कर दिए हैं, मैं जफर साहब को सलाम करता हूँ, वो तिब के बहुत ज्यादा ये वीसी हमारे पंजाब फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के, ये तिब को बहुत अहमियत देते हैं, ये जो है वो इतना ज्यादा तिब से प्यार करते हैं कि मैं जो है बयान नहीं कर सकता हूँ। हमारे डॉक्टर जफर साहब जो है ये, और वो स्पेशल जो है तिब को जो है वो अहमियत देते हैं। उनके मैंने जितने भी लेक्चर सुने हैं उनके अंदर तिब की जो है वो अफादियत और वर्जिश और जो गजा वो बिल्कुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है, और बड़े दीनदार बंदे हैं जी। और इस तरीके से जो है ये अल्लाह ताला इनको जो है वो इसको, और तो ये जो है बड़े अदाना शफीकाना और इस तरीके से बड़े जो है जबरदस्त जो है वो टीचर, और एक ऑनरेबल जो है ये सीट पे जो है मुंतजिम आला, और ये बड़े जबरदस्त किस्म के जो है ये अपने आप के जो है वो मुख्तलिफ शोबों पे अबूर रखने वाले, और इस तरीके से जो है ये खास तौर पे जो है ये तिब के ऊपर जो है इनका बड़ा जो है ये
अहवाल था। तो इस तरीके से मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो है बहुत से उस वक्त उस्तादा थे, बाहर से भी आते थे। हमारे तो यहाँ पे उस्तादा की कदर नहीं होती, उस वक्त जो है ये उस्तादा की कदर हुआ करती थी, यानी कि हुक्मा की कदर उस जमाने में जो है वहाँ पे हुआ करती थी। तो जैसे कि हकीम साहब को जो तिबिया कॉलेज से ला के जो प्रिंसिपल बना दिया गया, डिपार्टमेंट जो है ये मुस्लिम तिबिया यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के अंदर उनको प्रिंसिपल बना दिया गया। तो इस तरीके से ऐसे लोगों की कदर होती थी। यहाँ पे तो हुक्मा को जो है दलील किया जाता है, तो मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि जितने भी हुक्मा जो हमारे तजर्बाकार हुक्मा है, मैंने डॉक्टर अनिशा साहब को बहुत से जो हुक्मा से बुलाया है, तो मैं और भी बहुत से ऐसे हुक्मा को जानता हूँ जो हकीम भी है डॉक्टर भी है, उनसे भी मैं मिलाता हूँ, लेकिन वो भी आपको जो है जैसे कि मैं कोशिश करता हूँ वो मुझसे भी बेहतर है। मैं एक मिसाल देता हूँ डॉक्टर नफीस साहब की, ये असल में रिप्रोडक्टिव के बहुत माहिर है, यहाँ पे हमारे गुलमर्ग के अंदर होते हैं, तो इनके शिगिर्द मेरे दोस्त हैं बहुत ज्यादा और मेरे भी शिगिर्द हैं वो, तो इस तरीके से जो है ये बहुत ज्यादा ये इतने, तो इनके जलालो और जमाल यानी कि दोनों जो है बहुत ज्यादा थे। मतलब एडमिनिस्ट्रेटर जब बैठते थे तो फिर ऐसा नहीं होने का मतलब होता था कि ये नहीं हो सकता कि डॉक्टरम ऑफ द क्लास जो है डिस्टर्ब किया जाए, डॉक्टरम ऑफ द ऑफिस डिस्टर्ब किया जाए, मतलब डॉक्टरम का अपना जो पूरा ख्याल रखते थे ये। तो इस तरीके से इनका जाहो जलाल और जो है वो ये चीजें जो है ये बहुत ज्यादा अहम थी। तो इस तरीके से जितने भी दैयत उलमा थे, दैयत जो है वो बड़े बड़े लोग थे, वो उस जमाने में जो है ये उस जमाने के अंदर जो बहुत ज्यादा जो है ये काम करते थे। तो इकबाल साहब इन्हीं के बारे में फरमाते हैं, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब मर्द मोमन की हूँ बहुत तस्वीर कहते हैं, होल का यारा तो बरशिम की तरह नरम, दर्ज में हक बातल हो तो फौलाद है मोमन। तो इस तरीके से ये जो फरमाते थे, तो उस वक्त उर्दू शोभा के मौलाना एहसन साहब और शहीद अहमद सिद्दीकी साहब उस वक्त जो पढ़े इसी यूनिवर्सिटी के जो है वो पढ़ते थे, और इसी तरीके से उलमा फजला जो है वो इकट्ठे जो है वो काम किया करते थे। तिबिया कॉलेज में भी जो है वो प्रिंसिपल डॉक्टर अताउल्ला भट जो है वो एमडी थे, जो ब्रिलियन से उन्होंने एमडी किया हुआ था, और वाइस प्रिंसिपल हकीम अब्दुल्लतीफ फलसवी जो है वहाँ पे मौजूद थे, और डॉक्टर सैयद अनायतुल्ला शाह, इस तरह दोनों मिलकर जो है काम किया करते थे, तो बड़ा जो है वो जबरदस्त किस्म का माहौल होता था। हकीम अब्दुल्लतीफ फलसवी जो है लखनवी शख्सियत के मालिक थे, तो बहुत प्यारी शख्सियत इनकी थी, तो जिसकी वजह से ये बहुत ही मशहूर थे। तो दर्सी किताबें ये खुद भी पढ़ते थे और लोगों को पढ़ाते थे, इन्होंने बहुत सी दर्सी किताबें जो है वो पढ़ी, दर्सी किताबें खुद भी लिखी और जो है ये लोगों को पढ़ाने के लिए इस इनके दौर में बहुत सी किताबें जो लिखी गई। तो जामिया तिबिया दहलवी के प्रिंसिपल बनकर आए और इस तरह से जो है वो दोबारा इन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो इनकी जो है वो बहुत ज्यादा खूबियां हैं जिनको हम जो बयान करेंगे। तो जब इन्होंने जो है उस वक्त मुकाबला किया जब आयुर्वेदिक जो है वो इंडिया में अलहदा हो और हकीमों का उन्होंने साथ देना छोड़ दिया, तो उस वक्त इन्होंने जो है तिब को जिंदा किया। तो ये बड़े कारनामे हैं। तो इनके दो खास जो है वो इन्होंने काम अंजाम दिए कि आपने फ्राइज को जो है फर्ज मंसबी समझ के उन्होंने अंजाम दिए और सच्चाई का जो है वो हमेशा साथ दिया, सच्चाई को जो कभी भी जो है उन्होंने छोड़ा नहीं। तो सच्चाई को कभी भी इन्होंने छोड़ा नहीं। तो इस तरीके से जो है ये सिलसिला जो है इनको जारी रहा। तो इनको जो है वो बर्स पे बड़ा अबूर था, यानी कि जो है बर्स की जो है बर्स पे ऊपर बड़ा अबूर था। तो मैं भी नया लाहौर के अंदर जब था तो बर्स का जो है मैंने बहुत से लोगों का इलाज किया। तो एक जो है वहाँ पे जो है मेरे पास सूबेदार साहब आते थे फौज के, वो अब बाहर का काम करते थे, तो उनका बच्चे को अल्लाह ने ठीक किया मुझसे, तो उन्होंने जो भी उनको ड्राइवर को कंडक्टर कोई व्यापारी कोई भी चीज़ मिलती थी तो वो मेरे पास जो है बर्स के सिलसिले में भेज देता था। तो उनका नुस्खा जो है मैं आपको बताता हूँ जी, बापची सरपुख्ता लेला स्या गुल हिना और गुल नीम
जो चीनी जो है हमारे 6 मिनट से कूट कर रात को गर्म पानी में भिगो कर शहद के अंदर जो है ये 2 तोला मिलाकर दे। जमात के तौर पर बाबची, डंडी, हार सिंगार और सुरमा इस्पानी और तुखम पनोड़ा, कब्रियत यानी कि जिसको सल्फर भी कहते हैं, अक्कर करा को हम वजन पीस का जो है इसके ऊपर लगाने से जो फायदा हो जाता है, तो दाग भी खत्म हो जाता है। तो असल में ये मेलाटोनिन की कमी की वजह से होता है। तो इसी तरीका से जो है बहुत से और भी इनके कारनामे हैं। जो है एक दफा जो इनके पास लौजत है, यानी कि टॉन्सिल्स का एक पेशेंट आया, तो टॉन्सिल्स के लिए इन्होंने जो है वो सबको दिखा के उसके बाद जो इन्होंने इसके लिए लव के ख्यास अंबर जो है 5 माशा जो है पिटाने के लिए और मगज अमलतास जो है दूध में पका कर सुबह शाम जो है उनको गरारा करवाया, जिसकी वजह से बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। तो इस तरीका से जो है इनके जो है बहुत ज़्यादा कारनामे हैं और भी बहुत से कारनामे हैं। तो इनके ये अक्सर जो है वो मुख्तलिफ अमराज की पेशगोइयां किया करते थे कि ये जो है अगर ये मर्ज है तो अब ये होने का चांसेस जो है, जैसे कि दर्द सर या दर्द शिका का मुश्किल रहना, नुजूल अम्मा यानी कि जो है आंखों से पानी आने का खतरा जो हो सकता है, चेहरे का अक्सर जो है फड़कना लकड़ी का खतरा पैदा करता है, शरीर सरदर्द जो है आंखों की सुर्खी और सिर को समाना जो है वो आंखों से आंसू को सरसाम की पेशगोई करता है, सर की बीसी जो है वो फालज को जाहिर करती है, बिना सबब मगमूम रहना जो है बदगुमानी, तन्हाई पसंद और मालिक होने की निशानदेही करता है, नजला जुकाम अक्सर जो है वो दिक और दमा को जो है वो जाहिर करता है। तो इस तरीका से मैं डॉक्टर साहब का बड़ा मशहूर हूँ अपने दोस्तों और भाइयों का, तो डॉक्टर जावल को जो है मैं टाइम देता हूँ ताकि वो अपना जो है लेक्चर जारी करें। बहुत शुक्रिया सर।